हियर गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसे जैसे 2020 आगे बढ़ता जा रहा है, रियलमी की तरफ से एक कमाल की न्यूज सामने निकल के आती जा रही है। पहले तो उसने 6 और 6 Pro लॉन्च करके अपने एंट्री लेवल के स्मार्टफोन में तबाही मचा दी। इसके बाद नार्जो सीरीज भी आने वाला है, जो कि उससे भी कम लेवल के स्मार्टफोन में काफी बेस्ट प्रोडक्टिविटी यानी कि स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने वाला है। अब बहुत सारी न्यूज सामने निकल कर आई है, ऑलमोस्ट लीक्स ये कन्फर्म ही हो चुका है कि ठीक नार्जो एंड नार्जो सीरीज के बाद सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020 में X3 एंड X3 Pro लॉन्च होगा इंडियन मार्केट में, जो कि सक्सेसर होगा लास्ट ईयर लॉन्च हुए X2 एंड X2 Pro का। दो सीरीज लॉन्च किया था X2 में, इसी के साथ X3 में भी ये दो सीरीज लॉन्च करेगा। और बहुत सारे स्पेसिफिकेशन में इसका मेन स्पेसिफिकेशन ये मुझे पता चले कि इस बार 108 मेगापिक्सल Realme की तरफ से फर्स्ट टाइम देखने को मिलने वाला है इसके मिड लेवल फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में। तो X3 Pro के बारे में मैं बहुत सारे कुछ डिस्कस करूंगा, साथ में X3 के बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बने रहे, और अगर चैनल पे नए हैं तो आई थिंक आवाज पहली बार ही सुन रहे होंगे, तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को सहला देना प्यार से। और इसी के साथ अगर लाइक कर दोगे तो मुझे काफी तसल्ली मिलेगी वीडियो बनाने के लिए, और फ्यूचर में ऐसा ही कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहूंगा जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से रियलमी इंडियन बजट मार्केट को पूरी तरह से ग्रैब कर चुका है, आने वाले कुछ समय में हो सकता है ये फ्लेक्सिबल लेवल को भी बीट करते दूसरे स्मार्टफोन के बदले, क्योंकि लोग अब उसे ही प्रेफर करेंगे रियलमी को, क्योंकि इसका हर चीज अच्छा होता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, प्रोसेसर अच्छा होता है, कैमरा अच्छा होता है। तो और क्या चाहिए लोगों को एक स्मार्टफोन के जनरली परचेस करने के लिए। शुरुआत करता हूँ सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन से। तो इसमें आपको जो बैक फिनिश देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस बार ग्लास पैनल आने वाला है जो कि गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आएगा। और रियर साइड में पैंटा रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा रियलमी X3 Pro में। X3 में क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। X3 Pro का जो प्राइमरी रेजोल्यूशन होगा 108 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आने वाला है, जो कि काफी एक्साइटमेंट के साथ होगा इस बार रियलमी की तरफ से। फ्रंट की बात कर लूं तो पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 2020 है वो पंच होल का ट्रेंड चल रहा है इंडियन मार्केट में, तो इसमें भी वही देखने को मिलेगा। हाँ, वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होगा या राइट कॉर्नर में या फिर सेंटर में, ये कंफर्मेशन नहीं है, बट जो बेजल्स होंगे वो काफी कम होंगे। और अप्रॉक्स 6.67 इंच का एक IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, जिसका हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अब तो 6 Pro में भी दिया गया था जो कि मिड रेंज में आता है। वहीं अगर डिस्कस कर लूं इसके परफॉर्मेंस को लेके, तो X3 Pro में मुझे ऐसा लगता है, कंफर्मेशन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 765G के क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 5G एनेबल्ड भी होगा, और प्रोसेसर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अदरवाइज अगर MediaTek में जाना चाहेगा Realme इस बार अपने फ्लेक्सिबल लेवल में, तो MediaTek के Dimensity 1000 का चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि फ्लेक्सिबल लेवल के लिए एक बेस्ट प्रोसेसर हो सकता है MediaTek की तरफ से। और गेमिंग एक्सपीरियंस तो काफी स्मूथ ही रहेगा दोनों में से आइदर कोई भी प्रोसेसर मिले, कोई कंफर्मेशन नहीं है। साथ में अगर रैम वेरिएंट की बात कर लूं तो एज यूजुअल 3 रैम वेरिएंट के साथ ये लॉन्च होगा, 464GB, 6128GB एंड 8256GB। वहीं दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं इसके कैमरा ऑप्टिक्स को लेके, जो कि काफी एक्साइटमेंट होता है रियलमी की तरफ से हर साल। तो पेंटा रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा X3 Pro में, जिसका प्राइमरी रेजोल्यूशन 108 मेगापिक्सल लीक्ड बताया जा रहा है। बाकी के 4 रेजोल्यूशन कंफर्म नहीं है, बट एक टेलीफोटो लेंस, एक माइक्रो लेंस, एक डेप्थ सेंसिंग और एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और X3 में आपको क्वाड रियर कैमरा का ही सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 64 मेगापिक्सल प्राइमरी रेजोल्यूशन होगा। फ्रंट की बात कर लूं तो X3 Pro में कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट मिनिमम 25 मेगापिक्सल का तो मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्लेक्सिबल लेवल का है तो देना चाहिए। X3 में कम से कम 16 मेगापिक्सल का भी आपको देखने को मिल जाएगा कैमरा सेंसर। वहीं बात कर लूं इसके बैटरी की, तो 4000 से अबव बैटरी देखने को मिलेगी रियलमी X3 एंड X3 Pro में, और दोनों ही फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगा, स्पेशली टाइप सी पोर्ट, 3.5mm जैक और IR ब्लास्टर का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा ही दोनों ही डिवाइसेस में। फाइनली दोस्तों आ गए हैं वीडियो के एंड में, और बात करते हैं प्राइसिंग एंड रिलीज डेट को लेके। तो जो लॉन्च डेट है वो क्वार्टर सेकंड 2020 में देखने को मिलेगा, कब ये कोई गारंटी नहीं है। और स्पेशली बहुत सारे स्मार्टफोन का लॉन्च डेट डिले हुआ है, पोस्टपोन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। सो स्टे एट होम, अभी भी बहुत दिन बाकी है, तो आप सेफ रहें, अपने फैमिली को सेफ रखें, सोसाइटी को सेफ रखें। साथ में इसके प्राइसिंग की बात कर लूं तो मिनिमम 20,000 से इसका बेस मॉडल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मिड रेंज फ्लेक्सिबल है, क्योंकि X2 और X2 Pro भी सेम लेवल के प्राइस में आपको लास्ट ईयर देखने को मिला था, तो उसी के रेंज में ये भी देखने को मिलेगा। और भी सारे स्पेसिफिकेशन इसके लीक जरूर होंगे, तो मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। यही था रियलमी X3 एंड X3 Pro के कुछ कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशन, रूमर्स, लीक्स। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे।